देश भर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐतिहासिक शहर समाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर की पुष्पांजलि भेंट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जन्मदिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। राजीव गांधी की ऊंची सोच के कारण देश में कंप्यूटरीकरण का युग शुरू हुआ और दूरसंचार क्षेत्र में देश ने प्रगति की। आज उनके बताए रास्ते पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में चलने का प्रण किया। ऐतिहासिक शहर समाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर श्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प भेंट किए। कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश जैन हीरा ने कहा कि आज कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को राजीव गांधी की सोच पर चलने की जरूरत है, उनसे हमारा देश उन्नति कर सकता है। समाना से नेहा कौशिक, आजाद टीवी न्यूज। आज सारा विश्व देश दे साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न मरहूम श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा से उल्लास नाल मना रहा है। अज असी उस शख्स को अपने श्रद्धा पुष्प भेंट कर रहे हैं जिसने देश दे विच इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्रांति नौजवानों को सत्ता विच अधिकार अते देश दे उन्नति दे तरक्के ते ले जाण वास्ते कई काम किए। देश दे विच पंचायती राज कानून लिया के छोटे तो छोटी ताकत पिंडा तक सरपंचा तक मैंबर तक पहुँचाई अते सत्ता दे विच सबनों अपनी भागीदारी दी। नौजवानों वास्ते उन्होंने सत्ता दे विच भागीदारी देने लई वोट पाउण दी उम्र 21 साल तो घटा के 18 साल दी कीती। अज देश दा हरेक युवा उन्हां नूं पुष्पांजलि भेंट करदे हुए अपना गर्व महसूस कर रहा है। अज जरूर असी अपने लीडर दे मार्गदर्शन तो वांझे हो गए हाँ, पर उन्हां दे दिखाए हुए सोच ते असी पहरा दिंदे हुए देश नूं उन्नति अते तरक्की वल लैके जावांगे अते देश दी एकता ते अखंडता नूं अक्षुण रखण लई हर कीमत ते असी अपना फर्ज अदा करांगे। Thank you.